Hi Nitish, welcome to Jagan Josh. Thank you. So how do you feel about your success in IAS exam 2016? It feels quite good. काफी अच्छा लग रहा है. A feeling of satisfaction है. 3 साल after continuous preparation, finally I got through. Feeling good. But साथ में एक चीज़ और है कि it's like छोटा short term है ये. It's not the ultimate end. So the real success would be when जब कुछ अच्छा करें. Please tell us something about your family and education background. Actually, मैंने 10th और 12th बोकारो से किया है. गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल से क्लास 10th और दिल्ली पब्लिक स्कूल से प्लस 2. इन एडिशन टू दैट ग्रेजुएशन बी टेक किया है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. मेरे फैमिली में मेरे 4 सिस्टर्स हैं एंड माय पेरेंट्स. बिग फैमिली. या क्वाइट अ बिग फैमिली. व्हेन डिड यू चूज टू बिकम अ सिविल सर्वेंट? एक्चुअली ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम्स ओनली. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम. सोचा हमेशा से था बट कॉलेज में जाके ये थोड़ा लगा कि अब सिंस द टाइम इज नियर सो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम्स. Why specifically? Specifically because I think civil services एक ऐसा platform है which can like help जहाँ से कि हम बहुत लोगों को help कर सकते हैं. बाकी NGOs हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ हैं but I think ये best platform है और best platform ultimately सब लोग चाहते हैं. Please tell us how it feels to crack this exam in your third attempt. Again I would say satisfied. बिकॉज पहले 2 अटैम्प्ट में प्रिपरेशन तो होती थी बट रिजल्ट नहीं आता था. अल्टीमेट थिंग इज कि हो गया तो पेशेंस जो था. सो आई एम नाउ आई फील ग्लैड कि थ्रू आउट द प्रिपरेशन आई नेवर फील फ्रस्ट्रेटेड. आई केप माई सेल्फ चार्ज्ड. तो इट फील्स गुड. व्हाट वाज योर अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? एक्चुअली ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज एक कर्तव्य करके NGO है हमारे कॉलेज में चलता है. सो आई यूज्ड टू टीच देयर. वहाँ पे देखा कि आसपास में बहुत गरीबी थी और चूंकि बच्चे पढ़ नहीं पाते थे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे तो आसपास के लोगों में वो अवेयरनेस नहीं था. देवर ड्रिंकिंग बच्चे पढ़ते नहीं थे बेगिंग ये सब चीज़ें थी. और सिंस वी वर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद दोज किड्स तो यहाँ से लगा कि और हमने उस समय जब कॉलेज टाइम्स में अक्सर वी वेंट टू लाइक DC धनबाद टू सीक हिज हेल्प एंड ही हेल्प मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो ये लगा कि यहाँ पे रह के अगर कुछ छोटा मोटा चेंज भी लगा ला सकते हैं तो उसके लिए अगेन बेस्ट प्लेटफॉर्म है गेटिंग इनटू द सिविल सर्विसेज. सो दैट वाज माय मोटिवेशन एंड इट वाज दैट केप्ट मी चार्ज्ड फॉर द एंटायर प्रोसेस. यू टॉक्ड अबाउट धनबाद एंड सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स. टेल मी समथिंग अबाउट योर होम स्टेट बिहार. झारखंड आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम बिहार एक्चुअली झारखंड एक्सपेक्टेड था कि झारखंड वुड डेवलप बट इन द लास्ट 10 to 15 ईयर्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से झारखंड डेवलप नहीं कर रहा है. कुछ रीजन्स तो दे आर रियली वेरी बैकवर्ड लाइक माई होम डिस्ट्रिक्ट पलामू. आई थिंक कि अगर कुछ करना चाहिए और अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपने स्टेट में काम करना चाहिए. सो दैट्स वाई आई हैव प्रेफर्ड फॉर झारखंड. और वहाँ पर प्रॉब्लम्स तो हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं नक्सलिज्म लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन सैनिटेशन सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर देयर बट स्टिल द बेस्ट पार्ट इज झारखंड इज प्रोग्रेसिंग नाउ. पिछले 3-4 सालों में स्टेबल गवर्नमेंट आई है सो झारखंड इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट. वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल स्टेट्स अगर उसको अच्छे से टैप किया जाए तो देर इज इनफ इन झारखंड टू फीड नॉट टू फीड बट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एंटायर कंट्री. सो दैट हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड. व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी आफ्टर बिकमिंग? आई थिंक अ सिविल सर्वेंट इज एन एजेंट फॉर सोशल चेंज. सिविल सर्वेंट कैन इंड्यूस सोशल चेंज. और मेरे ख्याल से एजुकेशन इज द क्रक्स. अगर एजुकेशन पे डायरेक्ट अटैक किया जाए इलिटरेट बनाया जाए लोगों को तो मेरे ख्याल से ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली विद टाइम कम हो जाएंगी. सो माई प्रायोरिटी विल बी एजुकेशन एंड ऑफकोर्स पॉवर्टी इज ऑलवेज देयर. सो विल ट्राई टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट स्कीम्स आर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड एंड इन एडिशन टू दैट माई स्पेशल इम्पेटस विल बी ऑन एजुकेशन. प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट. एक्चुअली मेरे हॉबीज हैं क्रिकेट खेलना एंड टीचिंग. आई लव टीचिंग. I have been teaching for the last like two and a half years and even during college times I was teaching. So that is teaching is my hobby. Jo bhi milta hai I like better padhte hain. And in addition to that cricket. I enjoy cricket like watching cricket playing cricket even I like try to memorize the records of players. So who's your favorite player? I think as a batsman it would be very difficult to categorize a single player but as a batsman I like Rahul Dravid, as a captain, MS Dhoni, obviously, and as a bowler, I like Dale Steyn. Okay.
How much time do you think one should devote to this preparation overall? I think on a daily basis, 6 to 7 hours of consistent study. Again, I would say consistent study. If not consistent, then even 16 ghante bhi bekar. Doesn't matter. I think 6 to 7 hours of continuous study in a planned manner. That will be sufficient. Do you think examination is more analysis-oriented than fact-oriented? Yeah, definitely. It's like, it's entirely analysis. Like, analysis along with certain facts. Because we have to justify our analysis with certain facts. So facts should be there. But I think key is analysis. If there is no analysis, then facts are useless. Would you like to elaborate on that? Some examples? This time, a question came in paper 1 regarding South China Sea. That question was like, South China Sea has attained more geopolitical significance. Aisa kuch tha. Chuki wo question paper 1 mein tha. So that question had to be answered from the geographical point of view. So wahan pe agar if you are not using Strait of Malacca, if you are not mentioning Strait of Malacca, or agar aap South China Sea mein kaun-kaun se countries hai, kya-kya islands hai, if you are not mentioning that, to I think wahan pe marks nahin milne wale. So facts in that sense. Analysis is liye, ki Strait of Malacca ka importance kya hai. World geopolitics kaise change ho raha hai. So that abadijan geography, how geography is affecting the world politics. वो चीज़ तो वो एनालिसिस जाएगा, वो फैक्ट से हम नहीं कर सकते उस चीज़ को. So, did you use internet and how helpful was it? I was not very comfortable with internet. So, mostly I preferred hard copies. Newspaper, books and all these things. So, but I think internet can be very helpful because some of my friends have qualified and they have referred, they've got immense help from internet. So it can be like some of the websites kuch hai aajkal to wo newspaper ke analysis dalte hain, fir daily events kya ho rahe hain aur questions ka collection hai unke paas, answer writing practice ke liye, in sab cheezon ke liye jo log test series join nahi kar sakte unke liye kafi acha hai. So it can be very helpful, especially for prelims. Do you think coaching is totally indispensable while preparing for IAS exam? I think coaching tabhi fayda pahunchayega jab direct interaction with teachers ke saath. Otherwise, coaching is of no use. Agar teacher hai, they are ready to give direct like time to you, personal time, then one should definitely go for such coachings. Because wahan pe kya hota hai, thoda syllabus defined ho jata hai. Otherwise, syllabus kahin defined nahi hai, usme samajhne mein time lagta hai. So that way, coaching can be helpful. But again, wahi cheez hai ki agar brand ke piche ja rahe hain aur teacher ke piche hain, to again it is of no use. So what type of mindset should the candidates keep while preparing for this exam, because it's a long process? Yeah, I think while preparing, one should have enough patience and they should have faith in themselves. Agar wo nahi hoga to it is going to be very difficult. Khud pe bharosa hona chahiye, kyunki even though everybody should try to clear it in the first attempt, but a process, long process. So one should enjoy the process. If the process would be like, one would enjoy the process, end will be good. Because it's not about clearing the exam, it's more about learning. Okay, yeah. Thank you.